पड़ पाए, जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो, आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो महाराज। एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है और क्या ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था, अभी जो पूर्व बीजेपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है? सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए, तीन बार, और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनसभा में लेट आने का कारण, कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए, और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, साइकिल से, सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते हैं आप अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए। बहुत धन्यवाद। भारत को गुलाम बनाने के लिए, और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची है, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो कटोक बटोस किनारे हो गए। अभी तक ये दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। कल केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश केशव मौर्य ने बड़ी बात कह दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या क्या वो शर्ते रख दिए हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्ते हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है, पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी। इसीलिए आज किसानों को डीएपी करा पा रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज। क्या सीएम हटने वाले हैं? देखिए प्रशासन, प्रशासन यही दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है, आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा वोट पड़वाना। देखा वहां ना देख पाई भाई।